एक का उपसंहार होता है तो एक का स्वागत होता है। कई लोगों ने कई ढंग से सोचा होगा, अपना सोचा ना हो, अपना सोचा ना हो, अफसोस है फिर भी सोचूं। हमारा सोचना, आपका सोचना, उनका सोचना, इनका सोचना, सबका सोचना कुछ नहीं होता, बड़े बाबा को तो मंजूर है। तो हम भी मोड़ ही रहे क्योंकि भैया इतने व्यक्ति सोच रहे हैं, हम क्यों सोचे। अब कुछ ऐसा लगने लगा जब शीत से भी बच जाए और गर्मी से पहले अपना काम करने योग्य कर ले तो सबसे जाना जो प्रबंधों के उलझनों में रहने की अपेक्षा से बंद काटने का एक उपक्रम ही हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। और यही हुआ, जिस समय बड़े बाबा को भीतर से बाहर लाना और उच्च सिंहासन के ऊपर विराजमान करना, बहुत सारे मुहूर्त निकले थे, एक भी मुहूर्त काम में नहीं। और हमने तो ये सोचा जिस समय बड़े बाबा बैठेंगे वही हमारा मुहूर्त। ऐसा ही, क्योंकि यह योजना, ये भावना बहुत दिन से सभी लोगों ने अपने दिल में संजोए बैठे हैं। थोड़ी सी आवाज आ जाए, हम अपने अपने वाहनों के माध्यम से सभी आ गए, आए को गए नहीं, वो यही पर है। बहुत अच्छा है, उत्साह है। और उसी प्रकार यहाँ के प्रबंधकों ने भी ऐसा सोचा है, यहाँ यह महोत्सव न भूतो न भविष्य देता हो, उदारता के साथ पात्रों के चयन के बारे में बहुत अच्छा सोचा गया है। जो 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 चाहता है, जैसे किमिच्छुक दान होता है ना, हाँ उसी प्रकार यहाँ पर सब लोग उल्लास के साथ, एकता के साथ इस कार्यक्रम को बहुत प्रसन्नता के साथ एक दूसरे के पूरक बन करके काम करें, इसमें कोई संदेह नहीं, करना तो है। कल आए थे कुछ सज्जन, महाराज समय कुछ कम पड़ रहा है, कम समय में ज्यादा काम होता है ये भिड़ कर ये काम करने से। हाँ, नाम मत
हो ना मत कहो, हाँ की कुबट देखो दंग रह जाओ। ये वसंत पंचमी का उपहार। हमेशा हमेशा निशेल में नहीं किंतु हाँ में ही सबको सुख एवं शांति। विघ्न मत हो इसके लिए, इस प्रकार न सोचने की अपेक्षा से आनंद संपन्न हो। हमने एक बार पंच कल्याणक महोत्सव गजरथ महोत्सव संपन्न हुआ महाराज, जनता के लिए मैं कल बैठा हूं, प्रतीक्षा में हूं, अपना क्रम आ जाए तो। सर्वप्रथम ये कहा, यह गजरथ महोत्सव बिना विघ्नों का नहीं हुआ। यहां से प्रारंभ किया, सब लोग प्रबंधक लोग दंग रह गए, महाराज ने ये क्या कहा। तो यह आवश्यक था, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज आशीर्वाद दे दो, महाराज निर्विघ्न हो जा, निर्विघ्न हो जा, निर्विघ्न हो जा, हरेक मुख से ये सुन रहा हूं। अरे निर्विघ्न यह निषेधवाचक शब्द है, सानंद संपन्न हो। तो यह गजरथ महोत्सव सानंद संपन्न हुआ, निर्विघ्न नहीं हुआ। अरे विघ्न यहां आएगा सही, कहा जाएगा। हाँ तो निर्विघ्न नहीं हुआ, इसका अर्थ ही सानंद संपन्न हुआ, ये इसका अर्थ निकलता है। इसलिए हमने कहा कि भैया मूर्त निकालने से निकलते तो हैं, लेकिन पूर्वजों ने कुछ ऐसे मुहूर्त निकाल करके शोधित किए हैं, उसका उपयोग करना मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं, क्योंकि पूर्वजों को याद करना अपूर्व कार्य के लिए कारण हुआ करता है। तो विजयादशमी संशोधित है, अक्षय तृतीया और अच्छा है, और आया वसंत पाला उड़त। जो कोई भी कठिनाइयां, जो कोई भी बाधाएं, जब वसंत का आगमन हो जाता है तो पूरा का पूरा टल जाता है। हजारों वर्ष के बाद बाहर आकर के बड़े बाबा ने सब लोगों के भावनाओं को पूर्ण किया है। अब आप लोगों को चाहिए, उनको तो सिंहासन मिला है, आप लोगों के परिश्रम से, भावनाओं से और उल्लास उमंग उमंग के साथ मिला है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल दमोह जिला नहीं, केवल और कुछ भी नहीं, किंतु भारत में या मध्य भारत में कार्यक्रम हो रहा है, सब लोगों की दृष्टि निगाह है इस ओर है,
इसको देख करके स्वर्गों में भी हलचल ही। हम तो निमंत्रण देंगे नहीं, क्योंकि हम निमंत्रण और आमंत्रण को स्वीकार मानते नहीं। हम तो चलो हुआ, बिना बुला हुआ, किसको बुलाए? हम स्वयं चल के आए, उधर से इधर आए, यहाँ की भाषा अलग है। इसलिए जो एक प्रकार से मैं भी कुछ करूं इस मंगलमय वातावरण में अपने तरफ से अपने निमित्त से भी कुछ भगवान उसे मैं कुछ कर सकूं। मैं कुछ भी नहीं कर सकूं तो भगवान आपके गुणगान तो करते। क्या कर सकते हमें? और कुछ भी नहीं चाहिए, बस और कुछ नहीं, आप। भगवान के सिवाय और किसको हम मांगे? निश्चित बाकी सब निर्जीव है। भगवान सजीव जीव द्रव्य और उत्कृष्ट जीव द्रव्य, हमारे पास भी द्रव्य है, किंतु पर द्रव्य के सोबत के कारण हमारा जीव द्रव्य एक प्रकार से निर्जीव जैसा हो गया है, सजीव नहीं रहा। यह पुद्गल के कारण अजीव परिणमन हो गया है, अजीव नहीं अजीब प्रकार का परिणाम हो गया। भगवान अलग प्रकार का परिणाम हो गया है और आपने अपने आप को पूर्व स्थिति पर ले करके विश्व का कल्याण किया। प्रभु हमारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि आपका सानिध्य हमें उपलब्ध हुआ है। जैसे चाहते हो उससे भी ज्यादा परिणम हो भावना तो कर सकते। हाँ, उमंग इसी को बोलते हैं, नमंग इसी को बोलते हैं, और इसी के साथ सब कुछ घटित होता है। मोक्ष मार्ग में संकलेश के साथ नीचे की ओर आना होता है, जिसको हीवान बोलते हैं। किंतु मोक्ष मार्ग में तो ऊर्ध्वगमन के लिए हमेशा हमेशा प्रभु विशुद्धि के निदान, विशुद्धि संक्लेश दोनों होते हैं, लेकिन वर्धमान जब होता है तो वर्धमान स्वामी हमें उपलब्ध हो जाता। यह भाव आप लोग प्रतिदिन अपने घटों में भर भर करके भा रहे हो, तो आज यह मुहूर्त व समय आ गया, मुहूर्त भी उसके साथ साथ आ गया है, और आपको ये याद रखना चाहिए महाराज थोड़े दिन बढ़ जाए, दिन दुगुनी रात चौगुनी। क्या मांगते हो महाराज?
चंद्रमा उदय हो जाए, अरे चार चांद लगाओ। और भानु भी, भास्कर भी, प्रभाकर भी आने को तैयार हो जाए। और हमारे इस कार्यक्रम में चंद्रमा और सूर्य का एक साथ समागम हो। केवल प्रभाकर ही नहीं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में ज्योतिष मंडल पूर्ण आ जाए। और महाराज लाइट की व्यवस्था, अरे लाइट क्या, डिम लाइट कहो, आनंद आनंद है। जहाँ आनंद आनंद है वहां प्रकाश, स्वपन प्रकाश, ये सब कुछ विद्यमान है। भगवान के समूह चरण में लाइट की व्यवस्था नहीं, ऐसे ऐसे दिव्य रत्न है जिसके द्वारा पूरा समोचरण झगमग 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 करता है। ध्यान रखो, हमें साक्षात समोचरण नहीं भी मिले, लेकिन कुछ बोल तो मिली है जिनके द्वारा झगमग 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 होता रहे। हाँ, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद बरसता रहता है। जितना कहे उतना कम है, किंतु कम में भी हम संतुष्ट रहते हैं प्रभु। हाँ, किंतु देने के क्रम में आप कम न करियो। हम कोठी की बात नहीं करते प्रभु, हम छप्पर की बात करते हैं और छप्पर फाड़ करके देने वाला। बड़े बाबा के लिए मांगो क्यों, बड़े बाबा सब कुछ जानते हैं। ये छप्पर का व्यक्ति छप्पर फाड़ करके ले ले, लेकिन ध्यान रखो कोठी वालों, आपके यहाँ छप्पर नहीं होने के कारण कुछ नहीं बरसेगा, ध्यान रखो। आओ, उनको यहाँ पर आना पड़ेगा। हाँ, और हाथ जोड़ करके आएंगे, आप क्या चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहते, सभी लोग शामिल हो और इस कार्य को संपन्न करें। इन्हीं भावों के साथ